वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की सिक्स वीडियो, जिसमें कि मैं आज आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है उसके रूल्स के बारे में डिटेल में बताऊँगा। और अगर आपको मेरे चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को जाने, हम लोग जान लें व्हाट इज़ अ सेंटेंस। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम मीनिंग। सेंटेंस हम उन शब्दों के सुमेल को कहते हैं आम भाषा में, जो कोई मीनिंग हम लोगों को क्लियर करता हो। ग्रामेटिकली ए सेंटेंस इज दैट विच हैज़ वन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट। और ग्रामेटिकली हम लोग सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक हिस्सा प्रेडिकेट हो, या फिर जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ कम्प्लीट इन इट्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पार्ट फॉर इट्स मीनिंग। वाक्य का वो हिस्सा जो अपने आप में कम्प्लीट है और उसे अपने मायने के लिए, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता। सबॉर्डिनेट क्लॉज, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट कम्प्लीट इन इटसेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट मीनिंग। ये वाक्य का वो हिस्सा होता है जो अपने आप में कम्प्लीट नहीं होता और उसे अपने मायनों के लिए सबॉर्डिनेट क्लॉज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। कंजंक्शंस, लिंकर्स, कनेक्टर, ये वो शब्द या शब्दों का सुमेल होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को कंबाइन करके एक बनाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मेन टॉपिक। इन दीज सेंटेंसेज बोथ सेंटेंसेज विल बी इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कि जब हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे होंगे तो दोनों के दोनों जो सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, वो दोनों पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म में होंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों में ही लगी होगी। प्लेस बीइंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है बीइंग को, पहले सबसे पहले बीइंग को हम लोगों ने लगा देना है। ये बोथ नाउन और प्रोनाउन आर सेम इन बोथ द सेंटेंसेस, देन रिमूव द नाउन और प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों में सेम है तो दूसरे सेंटेंस में हम लोग नाउन या प्रोनाउन को, दूसरे सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि जब दो सेंटेंस थे तो दो नाउन और प्रोनाउन थे, बट जब एक हो गया है, दोनों नाउन और प्रोनाउन सेम है, तो हम लोगों को दूसरे को हटाने लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इफ़ नाउन और प्रोनाउन आर डिफरेंट देन बोथ नाउन और प्रोनाउन विल बी यूज्ड। और अगर नाउन और प्रोनाउन अलग अलग हैं तो दोनों नाउन और प्रोनाउन हमारे इस्तेमाल में आएंगे। और रिप्लेस फुल स्टॉप विद कॉमा, और दोनों सेंटेंसेस के एंड में जो फुल स्टॉप था, दो सेंटेंसेस जब लिखे गए थे तो उस सेंटर वाले फुल स्टॉप को हटा के हम लोगों ने कॉमा लगा देना है। जैसे अभी आपका रूल क्लियर हो जाएगा, देखिए, ही बर्नड मिडनाइट ऑयल फुल स्टॉप ही फेल्ट टायर्ड। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म देखी, बर्नड फेल्ट, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, दोनों सेंटेंस पास्ट इनडेफिनेट फॉर्म में है हमारे पास। दूसरी चीज़ देखनी है हम लोगों ने, दूसरा रूल कहता है बीइंग को स्टार्टिंग में लगा देना है। हम लोग बीइंग को स्टार्टिंग में लगा दिया, बीइंग बर्नड। अब जब नाउन और प्रोनाउन, इसमें भी ही था, इसमें भी ही था प्रोनाउन, इसीलिए हम लोगों ने पहले सेंटेंस का जो नाउन प्रोनाउन था वो हटा दिया। नाउन प्रोनाउन द फर्स्ट सेंटेंस, जैसे रूल में लिखा है कि पहले सेंटेंस का हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना है। बिफोर, सॉरी, बीइंग बर्नड मिडनाइट ऑयल फुल स्टॉप जो था हम लोगों ने कॉमा के साथ रिप्लेस कर दिया, ही फेल्ट टायर्ड। एक और एग्जांपल देखिए, ही वेंट टू बेड अर्ली लास्ट इवनिंग कॉमा फुल स्टॉप ही फेल्ट फ्रेश एंड एनर्जेटिक। अब उसमें भी ही वेंट और ही फेल्ट जो था वो दोनों पास्ट इंडेफिनेट में थे, प्रोनाउन हमारे दोनों में सेम थे, इसीलिए बीइंग स्टार्टिंग में ले गए, फर्स्ट सेंटेंस का प्रोनाउन ही हटा दिया, बीइंग वेंट टू बेड अर्ली लास्ट इवनिंग फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लग गया, ही फेल्ट फ्रेश एंड एनर्जेटिक। हिज सन रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड, ही वॉज वेरी हैप्पी। इन केस सेंटेंसेज इन पैसिव फॉर्म, दैट इज वेयर हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, इन दीज सेंटेंसेज बीइंग इज यूजली placed after the noun or pronoun
और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम आर वॉज वर एक्सेट्रा, उन सेंटेंसेस में जिसमें कि हमारे नाउन और प्रनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ पे वॉज लगा था और हमारा नाउन और प्रनाउन दोनों डिफरेंट भी थे, ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारा बीइंग है वो पहले सेंटेंस के नाउन या प्रनाउन या हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। जैसे यहाँ पे था हिज सन, नाउन हो गया, बीइंग रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड कॉमा ही वॉज वेरी हैप्पी। तो क्लियर हो गया, जब हमारे नाउन और प्रनाउन सेम है तो पहले सेंटेंस का हम लोगों ने नाउन या प्रनाउन हटा देना है, बीइंग से शुरुआत करनी है, फुल स्टॉप को कॉमा के साथ रिप्लेस करना है, और जब हमारे पास नाउन और प्रनाउन डिफरेंट है तो हम लोगों ने दोनों ही नाउन और प्रनाउन को यूज़ करना है, बीइंग को पहले नाउन या प्रनाउन के बाद हम लोगों ने लगाना है। हिज सन बीइंग रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड ही वॉज वेरी हैप्पी। अगला भी देखिए वैसे ही है, इट वॉज ए कोल्ड डे, आई रिमेंड अनईजी। दोनों में हमारे जो नाउन और प्रनाउन डिफरेंट है इसीलिए बन गया इट, फिर बीइंग अ कोल्ड डे कॉमा आई रिमेंड अनईजी। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल के हम लोगों ने दो रूल्स को सीखा। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोगों ने ये सीखा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम लोगों को पहचान करनी आनी चाहिए दोनों सेंटेंस जो हैं हमारे पास्ट इनडेफिनेट फॉर्म में होंगे। दूसरा रूल, बीइंग को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले जाना है, अगर हमारे नाउन और प्रनाउन सेम है तो बीइंग को स्टार्टिंग में ले जाना है और पहले सेंटेंस का नाउन या प्रनाउन हम लोगों ने हटा देना है और फुल स्टॉप की जगह पे हम लोगों ने कॉमा का इस्तेमाल करना है। और अगर नाउन और प्रनाउन डिफरेंट है तो हम लोगों ने सबसे पहले दूसरे सेंटेंस में इस रूल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पहले सेंटेंस का नाउन या प्रनाउन लिखना है, फिर हम लोगों ने बीइंग लगाना है और बाकी का सेंटेंस का रूल वैसे का वैसा ही रहेगा, कॉमा की जगह पे हम लोगों ने सॉरी फुल स्टॉप की जगह पे हम लोगों ने कॉमा लगा देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।